हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन एंड आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा की रेसिपी। तो चलिए बिना लेट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मसाला डोसा बनाने के लिए उड़द दाल, चने की दाल और चावल, अरवा चावल जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो इसमें जितना आप चावल लेते हैं उसका आधा उड़द दाल लें, और जितना उड़द दाल लेते हैं उसका आधा चना दाल लें। तो मैं दो गिलास चावल ले ली हूँ और एक गिलास उड़द दाल, और उसके बाद आधा गिलास चना का दाल। तो मेरा बिग फैमिली है तो ज़्यादा तो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इतना यूज कर रही हूँ। आपका जितना बड़ा फैमिली है उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं दो गिलास चावल ले ली और इसके बाद अब देख लीजिए एक गिलास उड़द दाल और आधा गिलास चने की दाल ले ली, और चावल को अच्छे तरीके से धो के उसमें एक चम्मच मेथी डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डाल के पूरे रात के लिए हम छोड़ देंगे। पूरे रात नहीं, आपको अगर जल्दबाजी है तो आप 6-7 घंटा के लिए छोड़ सकते हैं, या 3-4 घंटा में भी आपका फूल जाएगा। तो देखिए पूरी रात मतलब 6 घंटा छोड़ने के बाद चावल कैसा हो गया है फूल के, तो अच्छे तरीके से फूल गया है। अब हम इसको सभी को, चावल और चने की दाल, उड़द दाल है, सभी को मैं अलग अलग से एकदम बारीक से मिक्सर में पीस लूँगी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा फूला है, और जितना बढ़िया से फूला रहता है और जितना बारीक से आप पीसे उतना अच्छा डोसा बनता है। तो ये चावल पीस लिए हैं, और ये उड़द दाल, और ये है चने की दाल, सभी को मैं पीस के तैयार कर ली हूँ। अब इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा मैं अजवाइन डाली हूँ। अगर आपको पसंद है अजवाइन तो डालिए, नहीं तो मेथी तो हम दिए ही थे चावल के साथ भीगने के लिए। तो इसमें उड़द का जो दाल पीस के रखी थी वो भी डाल दी हूँ, और अब इसमें जाएगा ये चने की दाल जो पीसे हैं वो, सभी को डाल के और हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पूरा एकदम क्लॉकवाइज मिलाना है, खूब बढ़िया से मिला लेंगे पूरा, जो अच्छी तरीके से मिल जाए। और इसको हम ढक के पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, और हम इसमें ना ही इनो डाल रहे हैं ना सोडा डाल रहे हैं, देख सकते हैं बढ़िया से मिला लिए। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे। तो अब मॉर्निंग में देखिए कितना अच्छा खमीर आया है इसमें। तो अब मैं इसमें नमक डाल दी, क्योंकि रात में नहीं डाले थे तो अभी डाल दिए हैं, और दिखा रही हूँ आपको कितना अच्छा इसके ऊपर खमीर आया है, देखिए। अब हम इसको बढ़िया से एकदम मिला लेंगे, और पैटर अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो पानी मिला के आप इसको पतला बना लें, क्योंकि गाढ़ा पैटर रहेगा तो डोसा पतला नहीं बनेगा, डोसा मोटा मोटा बनेगा। फिर आप इडली के लिए परफेक्ट बैटर है, आप इडली फटाफट से बना सकते हैं इसी तरीके का बैटर से। तो मैं पानी डाल के पतला कर ली बैटर को, अब तवा चढ़ा दी है गरम होने के लिए, तवा गरम हो चुका है। अब देखिए मैं डाल दी बैटर, अभी कटोरी की मदद से मैं फैला लूँगी एकदम राउंड वाइज पूरा पतला करके। जितना पतला आपका पैटर रहेगा उतना पतला डोसा बनेगा। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आप कटोरी से नहीं, आपका अगर करछुल से ही हो जाता है तो आप उसी से कर लें। तो अब इसके ऊपर मैं मसाला आलू का जो बना के रखी थी वो डाल दी हूँ, और ये घी, एकदम ताज़ा घी है घर का बना हुआ। अगर घी नहीं तो आप बटर भी यूज करना है तो बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको लगने देंगे, और देखिए साइड साइड से अपने ही निकलने लगा है, बहुत अच्छा। नॉनस्टिक तवा है तो उस पर भी बना सकते हैं, और लोहे के तवा पे भी ये परफेक्ट डोसा बन जाता है। तो ये मेरा मसाला डोसा बन के तैयार है, इसी तरीके से मैं सभी डोसे को बना के तैयार कर लूँगी। और एक ख़ास बात ये है कि जब भी आप डोसा बना के निकालते हैं तो उसके बाद आप एक कपड़ा भींगा के रखें कॉटन का,
और उस पे उसको तवा को साफ़ कर लें उस कपड़ा से। तो इसी तरीके से बारी बारी से हम बैटर डालते हुए और ये मसाला जो बना के रखी थी मैं आलू का, ये डाल के उसके बाद घी डाल के और सभी को मैं बना लूँगी। और एक बात, और अगर आपके पास उड़द दाल नहीं है तो आप गेहूं भी डाल के डोसा बना सकते हैं। परफेक्ट डोसा बनता है, एकदम क्रिस्पी कि एकदम करारा बनेगा आपका डोसा, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना डोसा। तो देखिए इसी तरीके से हम सभी डोसे को बना लेंगे। आप चाहे तो मोड़ के भी रख सकते हैं या आप रोल भी बना सकते हैं, तो मैं तो रोल बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से भी आप मोड़ के रख सकते हैं। और ख़ास करके बच्चों का डिमांड होता है कि मम्मी इस तरीके का बनाओ, ऐसा बनाओ। तो ये मेरा डोसा बन के तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर शेयर करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।